आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। दुबली पतली दीपक की लौसी सुंदर, मैं अंधकार, मैं दुर्निवार, मैं तुम्हें समेटे हूं सौ सौ बाहों में, मेरी ज्योति प्रखर। ऐसी अद्भुत पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार को हम कर रहे हैं नमन आज के फनकार कार्यक्रम में। मेरे सिवा और भी कुछ है जिस पर मैं निर्भर हूँ, मेरी प्यास हो न हो जग को मैं प्यासा निर्झर हूँ। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा, हो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों। आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन विविध भारती के पितृपुरुष, हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र और हिंदी गीतकारी के एक अनूठे रचनाकार पंडित नरेंद्र शर्मा को। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही जीवन जो तुजागर है, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं।
पंडित नरेंद्र शर्मा को नमन करना इसलिए भी हमारा सौभाग्य बन जाता है क्योंकि हम उस विविध भारती से बोल रहे हैं जिसकी स्थापना में पंडित नरेंद्र शर्मा का विलक्षण योगदान रहा है। पंडित नरेंद्र शर्मा शब्दों के अद्भुत चितेरे। चूंकि रवायत है इसलिए कहानी शुरू से शुरू की जाए। 28 फरवरी 1913 खुर्जा जहांगीरपुर उत्तर प्रदेश, बालक नरेंद्र का जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उन्होंने शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में एमए किया। लिखने पढ़ने का शौक था, घर पर भी सांस्कृतिक माहौल था। सन 1931 में पहली कविता चांद पत्रिका में छपी। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी अध्ययनशीलता और अपने चिंतन की वजह से पंडित नरेंद्र शर्मा ने शुरुआत से ही एक उदयीमान कवि के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। सन 1933 में पहली कहानी छपी प्रयाग से प्रकाशित दैनिक भारत में, और इस तरह से साहित्य में उनकी जगह धीरे धीरे पक्की होती चली गई। कहां उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहां उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, किसे खोजते हैं मधुर गान मेरे, कहां उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहां उड़ चले। पंडित नरेंद्र शर्मा ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान वो 2 वर्ष तक नजरबंद हुए, देवली जेल में थे और 14 दिन की भूख हड़ताल की। नतीजा ये हुआ कि वो बीमार पड़ गए। अंग्रेज सरकार को उन्हें आजाद करना ही पड़ा। जब रिहा हुए तो सुप्रसिद्ध साहित्यकार और अनमोल कृति चित्रलेखा के रचयिता भगवती चरण वर्मा ने उन्हें प्रेरणा दी मुंबई जाने की, और इस तरह से वो आ गए मुंबई, बॉम्बे टॉकीज, जहां शुरू हुई उनकी गीत यात्रा फिल्मों में। बॉम्बे टॉकीज के लिए सन 1943 में फिल्म हमारी बात के गाने लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा ने। दरवाजे बदल रहा है आज सब जहां, आज सब जहां, दरवाजे बदल रहा है आज सब जहां, आज सब जहां, जा रही है धरती आसमान, धरती आसमान, दरवाजे बदल रहा है आज सब जहां, आज सब जहां, क्यों ना हम कदम बढ़ा सके समय के साथ, क्यों ना हम, क्यों ना हम कदम बढ़ा सके समय के साथ, क्यों ना छेड़े हम पदर से जिंदगी की तान, क्यों ना छेड़े हम पदर से जिंदगी की तान, दरवाजे बदल रहा है आज सब जहां, आज सब जहां, दरवाजे बदल रहा है आज सब जहां। कुछ बरस तक वे बॉम्बे टॉकीज में काम करते रहे। इन्हीं दिनों की एक दिलचस्प घटना। पंडित नरेंद्र शर्मा बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। देविका रानी और हिमांशु रॉय अक्सर ही उनसे मार्गदर्शन लिया करते। ज्वारभाटा बन रही थी और एक नया पठान नायक फिल्म परिदृश्य पर उतर रहा था। पंडित नरेंद्र शर्मा से पूछा गया कि इस नौजवान यूसुफ खान का नाम क्या रखा जाए फिल्मी पर्दे के लिए। पंडित जी ने 2 नाम सुझाए, वासुदेव और दिलीप कुमार। वासुदेव नाम दिलीप कुमार को पसंद नहीं आया, यानी यूसुफ खान को पसंद नहीं आया, और उन्होंने दिलीप कुमार नाम चुना। इस तरह से फिल्म ज्वार भाटा के जरिए हिंदी सिनेमा को मिला एक नया नायक दिलीप कुमार। आज तुझे ना पंछी अकेला, आज तुझे ना नैनन में दुख रैन अजेरी, नैनन में दुख रैन अजेरी, मन में तूफानों का मेला, आज तुझे ना की।
विविध भारती के संग्रहालय में पंडित नरेंद्र शर्मा की बोली अनगिनत शब्द रिकॉर्डेड हैं और हम अपने संग्रहालय से निकाल कर लाए हैं उनकी आवाज आपके लिए। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हमारे इतने बड़े संस्थान में जिसको कि आकाशवाणी कहा जाता था, अनेक ऐसे कार्यक्रम थे कि जो निष्णात बुद्धिजीवी श्रोता ज्यादातर उसके लिए थे। अधिक संख्या में वो अखिल भारतीय श्रोता है जिसे हम और किसी बहुत अच्छे शब्द के अभाव में कहेंगे सामान्य श्रोता, अंग्रेजी में कहें तो ले लिसनर। अब सामान्य श्रोता की जो आवश्यकताएं थी उसमें विविधता भी होनी चाहिए और भारतीयता भी होनी चाहिए, तो इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध भारती उपयुक्त सिद्ध हुआ और इस प्रकार इसका प्रसारण आरंभ हुआ। पंडित नरेंद्र शर्मा हिंदी गीतकारी के शिखर हैं और आज के फनकार कार्यक्रम में ये कहते हुए हमें फख्र है कि विविध भारती के लिए पहला गीत पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा था। विविध भारती की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को हुई और उस दिन ये गीत विविध भारती से प्रसारित हुआ। स्वर मन्ना डे, संगीत अनिल विश्वास, रचना पंडित नरेंद्र शर्मा। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। नाच रे मयूरा कितनी अद्भुत रचना है, इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। गूंजे दिशी दिशी मृदंग, प्रतिपल नव राग रंग, रिमझिम के सरगम पर छिड़े तानपुरा, नाच रे मयूरा। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा, खोल कर सहस नयन, देख सघन गगन मगन, देख सरस स्वप्न जो के आज हुआ पूरा, नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। दिशी दिशी मृदंग, प्रतिपल नव राग रंग, गूंजे दिशी दिशी मृदंग, आ मृदंग, प्रतिपल नव राग रंग, रिम झिम के सरगम पर, रिम झिम के सरगम पर छिड़े तान पूरा, नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। सम पर सम सा पर सा, आ सम पर सम सा पर सा, रे पग मरे पग म पनि द धनि प पनि द धनि द मम रे धनि द रे धनि नि प म ग म रे त ग म रे त ग म रे त सम पर सम सा पर सा, उमड़ घुमड़ घन बर सा, घन बर सा, सागर का सजा
सजल गान सागर का सजल गान क्यों रहे अधूरा नाच रे मयूरा नाच रे मयूरा खोल कर सहस नयन देख सघन गगन मगन देख सरस स्वप्न जो के आज हुआ पूरा नाच रे मयूरा नाच रे मयूरा नाच रे मयूरा। पंडित नरेंद्र शर्मा की गीतकारी की विशेषता है हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का, शुद्ध हिंदी का, ललित हिंदी का उनका प्रयोग। वे इस मायने में हिंदी के विलक्षण गीतकार हैं। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने फिल्मी गीतों में किया वो आगे भी बहुत कम हुआ है। मिसाल के लिए सुनते हैं फिल्म अफसर का उनका ये गीत सुरैया की आवाज में, जिसकी दो पंक्तियां बहुत ही अनमोल हैं। वो लिखते हैं, तुम नस नस रस की फुहार, मैं रोम रोम मधुशाला, मतवाला हुआ मतवाला। तुम सुहाग हो मैं सुहागिनी, सुहागिनी मैं सुहागिनी। तुम सुर हो मैं मधुर रागिनी, मधुर रागिनी मैं सुहागिनी। तुम सुहाग हो तुम नस नस रस की फुहार, मैं रोम रोम मधुशाला, मतवाला हुआ मतवाला। किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला मनवा। इसी फिल्म का एक और गाना आवाज सुरैया की। मैं न दीवाने, मैं न दीवाने, एक नहीं माने, करे मन माने मानना। मैं न दीवाने, हुए ही पराए, मन हार आए, मन का मरम जाने ना, माने ना मानना। जब भारत की सीमाओं पर भारत के वीर सिपाही अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, देश संकट में था और देश में जन जागरण की जरूरत थी। जरूरत थी देश के वीर सिपाहियों के प्रति अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की। तब पंडित नरेंद्र शर्मा ने एक विलक्षण गीत लिखा। ये गीत देश की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान दे देने वाले वीर सिपाहियों को एक कवि और गीतकार का सच्चा नमन है। लौट कर न आएंगे विजय दिलाने वाले वीर, मेरे गीत अंजलि में उनके लिए नयन नीर, 100 फूल पान के रंग है निशान के शूर वीर आन के, जो समर में हो गए अमर, मैं उनकी याद में गा रही हूं श्रद्धा गीत धन्यवाद में। इस गीत को स्वर दिया लता मंगेशकर ने। लौट कर आएंगे विजय दिनानिवानवीर, मेरी गीत अंजलि
पंडित नरेंद्र शर्मा की एक और अद्भुत रचना को सुनाए बिना आज के फनकार कार्यक्रम का ये अंक भला कैसे समाप्त हो। इस रचना का संबंध अद्भुत गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका से है। अपनी अमेरिका यात्रा में उन्होंने अश्वेत अमेरिकी गायक पॉल रॉबसन की रचना ओल्ड मैन रिवर को सुना और पसंद किया। उन्हें लगा कि जिस तरह की विकलता, जिस तरह का प्यार मिसिसिपी नदी के लिए है, क्यों ना भारतीयों के लिए किसी भारतीय नदी पर केंद्रित एक रचना लिखी जाए। और इस रचना को लिखने की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी पंडित नरेंद्र शर्मा को और पंडित जी ने लिखा, विस्तार है अपार, प्रजा दून पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा तुम बहती हो क्यों। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा बहती हो क्यों। पंडित नरेंद्र शर्मा ने लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के एक गैर फिल्मी भजनों के एल्बम के लिए कुछ अद्भुत भजन लिखे हैं। सुनते हैं ये रचना। विमुख शिखर से धारा धाए राधा, हरि सम्मुख लाए बांसुरी, हरि सावरिया सुबह का उनका की सात मात तुम बंधु भ्रात हो। दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, दीपक सूर्य चंद्र तारक में रामा, तुम ही ज्योति नरेंद्र शर्मा न केवल फिल्मों में सक्रिय रहे बल्कि साहित्य में भी उनकी अद्भुत सक्रियता रही। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, प्यासा निर्झर और मुट्ठी बंद रहस्य।
11 फरवरी सन 1989 को हृदय गति रुक जाने से पंडित नरेंद्र शर्मा का निधन हो गया। उनका ये गीत याद आता है कि आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, आज से दो प्रेमी योगी अब वियोगी ही रहेंगे, आज के बिछड़े अब न जाने कब मिलेंगे, आएगा मधुमास फिर आएगी श्यामल घटा घिर, आंख भर कर देख लो मैं ना आऊंगा कभी फिर, प्राण तन से बिछुड़ कर कैसे रहेंगे, आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। पंडित नरेंद्र शर्मा को हमारा विनम्र नमन। क्यों प्याला छलकता है, क्यों दीपक जलता है, दोनों के मन में कहीं अनहोनी बिकलता है। क्यों प्याला छलकता है, पत्थर में फूल खिला, दिल को एक ख्वाब मिला, पत्थर में फूल खिला, दिल को एक ख्वाब मिला, क्यों टूट गए दोनों इसका ना जवाब मिला, दिल नींद से उठ उठ कर क्यों आंखें मलता है, क्यों। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध गीतकार और कवि और विविध भारती के पितृपुरुष पंडित नरेंद्र शर्मा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।